आज मैं लेक्चर नंबर 3 में स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर चैप्टर वन जो था वो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में था, जिसको आपने पढ़ लिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल काफी छोटा सा चैप्टर था, वो चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज का जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, प्रतिबल क्या होता है और विकृति क्या होती है, ठीक है। प्रतिबल और विकृति को आप पहले भी सुन चुके होंगे कई बार, फिर भी मैं बताता हूँ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल एंड विकृति। प्रतिबल क्या है और विकृति क्या है। स्ट्रेस जो है हमारा, स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, और जो हमारी विकृति होती है उसको हम स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेस कहाँ से आया, ये स्ट्रेन कहाँ से आया, तो इसके पहले आपने फोर्स पढ़ा होगा, तो मैं फोर्स से ही स्टार्ट करता हूँ कि फोर्स क्या होता है। फोर्स यानी कि बल। बल के बारे में आपने सुना होगा कि बल क्या होता है। बल एक क्या है, बल एक बृहत कारक होता है जो कोई पिंड या किसी बॉडी के, जो बॉडी जहाँ पर रखी हुई है उसकी अवस्था को चेंज करने की क्या करता है, वो कोशिश करता है या वो प्रयत्न करता है कि हम बॉडी के मोशन को चेंज कर सके, उसको मोशन में ला सके या उसको विराम अवस्था में ला सके, ठीक है। उसमें क्या करता है, वो उसको मोशन उसको उत्पन्न करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए जैसे कि मेरा फोन है, ये एक जगह पर रखा हुआ है, ठीक है, और अगर हम इसमें फोर्स कुछ लगाएंगे तो क्या होगा, जब फोर्स इतना फोर्स लग जाएगा कि इस बॉडी में क्या हो, इस बॉडी को ये मूवमेंट करा सके, ये चला सके, तो क्या है, ये बॉडी मूव करने लगेगी इस तरह से। तो बल क्या है, बल ने बताया बल वह बृहत कारक है जो किसी की बॉडी की स्थिति में क्या करता है, चेंजेस उत्पन्न करता है, मतलब उसमें चेंजेस लाता है, उसको मूवमेंट करा सके, ठीक है। तो बल के बारे में तो आपने जानते हैं, बल का आप यूनिट भी जानते होंगे, बल जो होता है वो न्यूटन होता है। बल का जो फोर्स होता है, फोर्स को हम लोग न्यूटन में लेते हैं, इसका फॉर्मूला भी आप हमने पढ़ा होगा, एफ इक्वल टू एम, मास होता है या मास होता है द्रव्यमान, ये होता है हमारा एक्सीलरेशन, ठीक। इसके बारे में भी आप लोग जानते हैं, आप लोग ने टाइप ऑफ फोर्स भी पढ़ा होगा, तो टाइप ऑफ फोर्स भी देख लेते हैं, फोर्स कितने टाइप का होता है। फोर्स के बारे में तो आप लोग सारे अच्छे से जानते ही हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में, टाइप ऑफ फोर्स, ठीक। तो कितने कितने टाइप के फोर्स होते हैं, तो अब यहाँ से आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 ये स्टार्ट होगा कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है, ठीक है ना। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन क्या है, तो मैंने आपको फोर्स बता दिया कि फोर्स क्या, फोर्स एक बृहत कारक कारक है, ठीक है ना। बल क्या है, बृहत कारक है जो किसी भी पिंड की स्थिति में परिवर्तन करने की चेष्टा करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, ठीक है। तो बल जो होते हैं, बल जो होते हैं मेनली तीन प्रकार के होते हैं। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो आप फोर्स पढ़ेंगे वो कुछ तीन प्रकार के पढ़ेंगे। पहला जो होता है वो कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड होता है। केंद्रीय बल, सकेंद्रीय बल, पहला क्या होता है, सकेंद्रीय बल। दूसरा वाला जो आप पढ़ेंगे, दूसरा वाला जो फोर्स होता है, सॉरी पॉइंट कंसंट्रेटेड लोड, सेकेंडरी पॉइंट लोड, इसमें कौन होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सम वितरित, ठीक है। अब जो दूसरा वाला टप्पा टाइप आता है, दूसरा टाइप होता है, वो होता है एक्टिव एंड पैसिव फोर्स। एक्टिव एंड पैसिव फोर्स,
टेंजाइल उत्पन्न होता है तनाव और कंप्रेशन उत्पन्न होता है संपीड़न, तो तनाव के साथ संपीड़न। तनाव और संपीड़न पर तो जो फोर्स है वो कुछ ऐसे होता है, तीन भागों में डिवाइड होता है। अब हम इन चीजों को अलग अलग प्रकार से पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे कि कैसे क्या है, किसका मतलब क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट लोड के बारे में या फिर कंसंट्रेट लोड के बारे में। पॉइंट लोड को हम क्या करते हैं, कंसंट्रेट लोड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एक समान वितरित लोड, जिसको हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी कहते हैं। उसके बाद आता है एक्टिव एंड पैसिव फोर्स या फिर एक्टिव एंड रिएक्टिव फोर्स, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्टिव एंड रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, या फिर एक्टिव एंड रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। इसको एक्टिव एंड रिएक्टिव भी बोल सकते हैं, ठीक है, यही नाम है, जगह अंतर मेरे पास आप लिख लीजिएगा। इसको एक्टिव एंड रिएक्टिव भी बोल सकते हैं। और अगला आता है टेंजाइल एंड कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो फिर अब आगे हम पढ़ते हैं वन बाय वन, मैं इसको यूज कर देता हूँ। पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे पॉइंट लोड। पॉइंट लोड होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पॉइंट लोड। पॉइंट लोड या फिर कंसंट्रेटेड लोड, आप दोनों में से कोई सा भी नाम लिख लीजिए, दोनों एक ही चीज है। सकेंद्रीय बल, सकेंद्रीय बल क्या होता है, सकेंद्रीय बल कहने का सेंस क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। ये कोई एक बीम है, ये एक बीम है, इलास्टिक सपोर्ट है, इधर दूसरा सपोर्ट है, ठीक। और इस बिंदु पे ये ए है, ये बी है, ये बीम है, बीम का ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। यहाँ पे कोई एक लोड लग रहा है 10 न्यूटन का, यहाँ पे 10 न्यूटन का, 10 किलोग्राम का या जो भी ले सकते हैं, यहाँ 10 न्यूटन का एक लोड लग रहा है। ये लोड क्या है, इस बीम के किसी एक भाग पे ये लोड लग रहा है, एक भाग पे या फिर किसी एक पॉइंट पे ये लोड लग रहा है, इसलिए इस तरह के लोड को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट लोड बोलते हैं। जब भी धर्म के या बीम के, आप अपने घर में बीम देखते होंगे, बहुत सारे जगहों पे बीम देखते होंगे, जब जैसे कि ये डस्टर है, इस डस्टर को समझ लीजिए, डस्टर क्या है, एक बीम है, ठीक है। ये डस्टर क्या है, पूरा का पूरा एक बीम है और नीचे से ये सपोर्ट लगा है, ठीक है। तो अगर इसके किसी एक बिंदु पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, या तो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ, इसके बीच में कहीं पे भी जो एक लोड लगेगा, अगर किसी एक पॉइंट पे लोड लगता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट लोड। अब ये यहाँ भी लग सकता है, ये यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, यहाँ भी लग सकता है, ये सब जो एक किलोमीटर का है, ये चार किलोमीटर का है, ये छः किलोमीटर का है, ये सारे क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट लोड के आपके एग्जाम्पल लगे, ठीक है। अगर इस तरह भी लोड लगता है तो ये भी क्या बोलेंगे, पॉइंट लोड बोलेंगे, समझ लो ये दो किलोमीटर का है। तो ये क्या है, ये समझ लो यहाँ से 60 डिग्री एंगल पे है, तो ये भी क्या है, ये भी आपका पॉइंट लोड के ही अंतर्गत आता है। अब आगे आपका आता है कि यूडीएल क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जिसको हमने नाम दिया है समवितरित भार, इसको शॉर्टकट में लोग यूडीएल भी बुलाते हैं। आप इसको शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, यूडीएल, शॉर्टकट में आप इसको यूडीएल बोल सकते हैं। यूडीएल कैसा होता है, यूडीएल भी नहीं बता रहे थे, ये बीम है, समझ लीजिए ये कोई भाग लग रहा है, ये कोई भाग लग रहा है, यहाँ पे क्या है, बी है, ये कोई है, यहाँ पे कोई भाग लग रहा है, और ये कैसा भाग है,
समवितरित भार है। अगर किसी बीम पे जो लोड लग रहा है वो हर एक बिंदु पे एक समान है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जितने भी बिंदु हैं यहाँ पे क्या है, सब पे 2 किलो न्यूटन का ही लोड लग रहा है। मैंने यहाँ क्या लिखा है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, समझ लीजिए इसकी लंबाई क्या है, 4 मीटर है, इसकी लंबाई 4 मीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी इसकी लंबाई है, जितनी भी इसकी लंबाई का जितना भी बिंदु है, एक एक बिंदु हर एक बिंदु पे हर एक पॉइंट पे जो लोड की वैल्यू होगी क्या होगा, 2 किलो न्यूटन ही होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, पर मीटर, पर मीटर का सेंस क्या है, मतलब हर एक मीटर पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जितने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, जो लोड की वैल्यू है वो सेम होगी। इसीलिए इसको बोला गया है समवितरित भार, समझ लीजिए ये लोड है, ठीक है, इसी ये लोड है। और मैंने क्या किया, इस पर अपना फोन रख दिया, समझ लीजिए ये लोड है और ये क्या है, मैंने इस पर अपना फोन रख दिया, ठीक है। तो मेरा फोन क्या हो गया, मेरा जो फोन हो गया ये समवितरित भार का काम कर रहा है। और अगर मैंने फोन को इस तरह रख दिया तो फोन मेरा क्या बन गया, एक पॉइंट लोड बन गया, ठीक है, क्योंकि ये इसके एक पॉइंट पर लग रहा है। और ऐसे रख दिया तो पूरा का पूरा टेस्टर पर ये लोड लग रहा है, पूरे का पूरे बीम पर ये लोड लग रहा है। तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोल देंगे कि ये हमारा पॉइंट लोड है, अगर सिंगली लगे एक पॉइंट पे, और अगर पूरे के पूरे पे कवर कर रहा है तो उसको हम बोल देंगे समवितरित भार या फिर यूनियन, ठीक। आगे आते हैं, सही, आगे आते हैं दूसरे पे, और जो नीचे से विपरीत दिशा में लग रहा है वो हमारा रिएक्टिव फोर्स
हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली में क्या होगा, दोनों जो फोर्स होंगे वो फोर्स बराबर होते हैं, ठीक है ना। जो बल लगाया जाता है, ठीक है, जो कारक बल होता है उसको हम एक्टिव फोर्स बोलते हैं, और प्रतिक्रिया के रूप में जो बल लगता है उसको हम रिएक्टिव फोर्स करते हैं। इस तरह से जो वो दोनों बल होता है वो दोनों बल बिल्कुल सेम होता है, ठीक है ना, दोनों में कोई सा भी अंतर नहीं होता है। जैसे कि और एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कोई गाड़ी है, जमीन से फिक्स है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, मैं इस गाड़ी को खींच रहा हूँ, यह फोर्स लगा कर मैं, यह फोन फोर्स लगा कर मैं इसको ऊपर खींच रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये गाड़ी है, मैं इसको यह फोन फोर्स लगा कर ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, इसको ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये गाड़ी फिक्स है तो ऊपर की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम इसको समझो, हम जमीन से क्या किए इसको किसी चीज से, जमीन से क्या किए इसको किसी चीज से हम स्टिक कर दिए हैं, या फिर समानतः भी रखे। अगर हम वो फिक्स नहीं है तो समझ लीजिए कि हम समानते भी रखे हैं। अगर हम किसी गाड़ी को उठाने की कोशिश करते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ी उठता है तो कुछ उस पर वेट पता होता है, ठीक है, क्योंकि जब हम बॉडी को उठा रहे होते हैं तो बॉडी का भी जो वेट है वो फोर्स के फॉर्म में अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ से इसको यफोन से उठा रहा हूँ, ये भी अपने वेट को एज ए प्रतिक्रिया एज ए रिएक्टिव फोर्स यूज करेगा, जो F2, और ये जो है तो यफोन वो F2 के बराबर होगा, ठीक। इसी को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया करने, ठीक है ना। यही आपका क्या है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल। अगला आ जाते हैं टेंशन एंड कंप्रेशन। टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन उसका होता है तनाव, कंप्रेशन उसका होता है संपीड़न बल। तो मैं आपको बता दूं कि टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो टेंशन क्या होता है, कंप्रेशन क्या होता है। ये बॉडी है, इस बॉडी में हमने क्या किया है, एक फोर्स लगाया है, और यह फोर्स लगा के हम इसको दोनों डायरेक्शन से क्या कर रहे हैं, दोनों डायरेक्शन से इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये हमारी कोई बॉडी है, इस बॉडी पे क्या कर रहे हैं, इस तरफ से हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, हम इसको खींच रहे हैं, ठीक है ना। इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए, ये जो एरो है, एरो जो है ये बाहर की तरफ है, जब भी ये एरो का चिन्ह बाहर की तरफ है, आउटसाइड होगा, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा, ये टेंशन फोर्स को प्रदर्शित करेगा, इसको प्रदर्शित करेगा टेंशन फोर्स, और इसको हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, टेंशन फोर्स को हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं। बात आती है कंप्रेशन फोर्स, कंप्रेशन फोर्स में क्या होता है, जो हमारा एल्बो होता है वो अंदर की साइड लगता है, ये क्या होता है, इनसाइड होता है, क्या होता है, इनसाइड होता है। ये किसको फोर्स करता है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कंप्रेशन फोर्स को, संपीड़न बल। और इसको हम क्या लेते हैं, इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेके चलते हैं। ये नेगेटिव हमारा क्या है, नेगेटिव हमारा नेचर बताता है कि जो टेंशन फोर्स है अगर हम इसको खींच रहे हैं तो इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव है, और किसी चीज को अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो वो चीज जितने में है उससे कम हो जाएगी ना, इस वजह से इसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेके चलते हैं। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं, अगर इसको प्लस ले रहे हैं तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन ये कुछ केसेस के लिए, ठीक है। डायग्राम से समझते हैं, ये बॉडी है, हम इस पे क्या कर रहे हैं, एफ फोर्स लगा के इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये कौन सा हमारा फोर्स कहलाता है, ये हमारा कंप्रेसिव फोर्स कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा फोर्स, और फोर्स के सारे टाइप्स हैं, आगे आते हैं, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए आगे आप। अगला टॉपिक है हमारा लोड के बारे में। आपने फोर्स तो पढ़ लिया, फोर्स का टाइप पढ़ लिया, अब आपको लोड पढ़ लिया। लोड क्या होता है? लोड के कितने टाइप होते हैं? लोड मतलब होता है बोझ, बोझ या फिर भार। लोड को आप क्या बोल सकते हैं? भार होता है एक तरीके से। तो लोड के बारे में पढ़ते हैं कि लोड क्या होता है। लोड को हम भार भी बोलते हैं, लोड को हम बोझ भी बोलते हैं। तो लोड हमारा होता क्या है? तो लोड हमारा क्या होता है? जैसे कि आप सब जानते हैं, आप लोग बहुत सारे स्ट्रक्चर्स के को देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। जैसे कि कोई पुल हो गया, जैसे कि कोई क्या हो गया, पुल हो गया, पुल यानी कि ब्रिज, कोई वर्क शॉप हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, ये सारी चीजें कैसे बनती हैं? छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बनती है। इससे स्मार्ट कंपोनेंट, स्मार्ट कंपोनेंट से मिलकर बनती है। और स्मार्ट कंपोनेंट्स क्या है? स्मार्ट कंपोनेंट्स में जैसे क्या हो गया, बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्ट्रट हो गया, उसके बाद टाई मेंबर होता है, पियर्स हो गया, और बहुत सारी चीजें हैं, और बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं? उस स्ट्रक्चर पे कोई ना कोई एक ब्रेक, उनका वेट के कारण, जैसे कि ये स्ट्रक्चर से ये बीम्स हो गए, ये कॉलम्स हो गए, स्ट्रट हो गए, इन सारी चीजों का अपना कुछ ना कुछ वेट होता है। तो ये क्या करते हैं? स्ट्रक्चर के फाउंडेशन पे कुछ ना कुछ लोड लगाते हैं, कुछ ना कुछ लोड लगाते हैं, कुछ ना कुछ बोझ लगाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर वो क्या है, उनके ऊपर वो स्थित रहते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, इन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, लोड या भार कर सकते हैं, क्योंकि वो उन पे क्या है, एक तरह से टिके हुए हैं। तो टिकने के कारण, वो उन पे टिकने के कारण क्या है, जैसे कि ये हमारा स्ट्रक्चर है, अब इस स्ट्रक्चर पे क्या है, ये हमारा कॉम्पोनेंट है, इस कॉम्पोनेंट में जैसे ट्रस हो गया और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई होती हैं, तो ये क्या करती हैं, इस पे टिकने के कारण, इनके वेट के कारण इन चीज़ों पे क्या लगता है, लोड लगता है, जिन्हें हम बोझ या भार कहते हैं, ठीक है ना। अब ये बहुत सारे तरीके से हो सकती है, या तो प्रेस पे लगे, या तो किसी भी चीज़ से लग सकता है। अभी मैंने यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें लोड करवाई हैं, इन किसी भी चीज़ों से इस पर लोड लग सकता है, भार लग सकता है। अब बात आती है इसमें टाइप से, इसकी टाइप से आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है। अब बात आती है टाइप की, टाइप ऑफ लोड। टाइप्स ऑफ लोड की बात आती है कि लोड कितने टाइप्स का होता है, कितने टाइप्स के लोड होते हैं। तो पहले मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, फिर एलोबोरेट करके बताता हूँ। तो जो पहला लोड आता है, पहला होता है डेड लोड, लाइव लोड, लाइव लोड होता है। दूसरा जो होता है वो एक्सियल एंड ट्रैवर्स लोड होता है, एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। उसके बाद जो आता है वो टेंजाइल कंप्रेसिव एंड सीयल लोड। ये तीन प्रकार के लोड होते हैं, मेनली तीन प्रकार के होते हैं। यही तीन प्रकार क्या है, मेन होते हैं, यही तीन प्रकार मेन होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप के लोड होते हैं जो बिल्डिंग के लगते हैं, जैसे इंपैक्ट लोड,
इंपैक्ट लोड स्लो लोड रैंप लोड विंड लोड और भी बहुत सारे प्रकार के लोड होते हैं, मेनी टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन जो हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है, जो हमको मेनली अपने स्ट्रक्चर में पढ़ना है, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स में पढ़ना है, वो ये तीन प्रकार के लोड होते हैं। कि ये तीन प्रकार के लोड जरूरी है, अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो इस चौथे को भी कर सकते हैं, ये चौथे को भी कर सकते हैं, ये चौथे को भी कर सकते हैं, क्योंकि यही जो चार प्रकार के लोड्स हैं हमको काम आएंगे, ठीक है। ये चार प्रकार के जो लोड्स हैं ये हमारे ज्यादा काम में आएगा, और जो बाकी के लोड्स हैं ये उतने ज्यादा हमारे काम में नहीं आते, ठीक है। तो हम यहाँ पे वन बाय वन सारे लोड्स को पढ़ेंगे विथ हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो पहला लोड हम पढ़ते हैं डेड एंड लाइव लोड। डेड एंड लाइव लोड का मतलब क्या है? अचल तथा चल पड़ा। अचल तथा चल पड़ा, ठीक है, अचल तथा चल पड़ा। डेड लोड का मतलब क्या होता है? अचल। लाइव लोड का मतलब होता है अचल। तो सबसे पहले हम डेड लोड के बारे में देखते हैं, डेड लोड क्या होता है। डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब मरा हुआ, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो डेट लोड में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो नॉन मूवेबल होता है, जो नॉन मूवेबल होता है। डेट लोड में वो सारी चीजें आ जाएंगी जो नॉन मूवेबल होता है। नॉन मूवेबल मतलब जो चल नहीं सकता, जो चल नहीं सकता, जिसको एक से दूसरे जगह नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, हमारे बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे लॉट्स ऑफ कंपोनेंट्स लगे होते हैं कि जो एक जगह ही रहते हैं, जो एक से दूसरे जगह नहीं चल पाते हैं, एक से दूसरे जगह नहीं कुछ कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम आपको एग्जांपल बता दें, हमारे फाउंडेशंस हो गए, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, हमारे फाउंडेशंस हो गए, हमारे फाउंडेशन एक ही जगह रहते हैं, वो नहीं चल पाए। बिल्डिंग्स में क्या होता है? बीम्स हो गए, कॉलम्स हो गए, स्लैब्स हो गए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक जगह फिक्स हो जाती हैं, एक जगह फिक्स हो जाती हैं, वो मूव नहीं कर पाती हैं, ठीक है ना, वो मूव नहीं कर पाती, वो एक से दूसरे जगह ट्रेवल नहीं कर पाती, वो चल नहीं पाती है, तो वो क्या कहलाती है? वो अचल भाग कहलाती है, ठीक है। अब बात आती है लाइव लोड की। लाइव लोड क्या होता है? लाइव लोड का मतलब क्या होता है? चल भाग। इसको हम क्या बोलते हैं? मूविंग लोड। आप लोग बहुत सारे ऐसी चीजें देखते होंगे कि जो मूव करती रहती है। सामने आप हमको देख रहे हैं बोर्ड पे, मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कभी से मूव कर रहा हूँ, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। मैं क्या हूँ? मैं एक प्रकार का, यानी आप लोग घर पे बैठ कर मेरे वीडियोज को देख रहे हैं, अपने मोबाइल को हिला रहे हैं, आप भी इधर उधर हिल रहे हैं। आपके यहाँ जो कुर्सी है, टेबल्स है, मेज है, जो आपके किचन रूम में सामान रखा हुआ है, जो आपकी बाइक है, आपकी कार है, ये सारी की सारी क्या है? मूविंग लोड है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इसमें व्हीकल्स आ जाएगा। व्हीकल, व्हीकल्स में मतलब क्या? जो आपकी गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स में सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी, ठीक है, व्हीकल्स में सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। आपके जो क्या होते हैं? अप्लायंस होते हैं, अप्लायंसेस। अप्लायंसेस का मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है, ये सारी चीजें होती है, ये सारी की सारी चीजें इसके अंतर्गत बहुत आराम से आ जाती है, ठीक है। अब बात आती है लाइव लोड के अंदर। लाइव लोड के अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है, जैसे कि इंसान हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं, ह्यूमंस हो गए, और भी काफी सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है, और भी काफी सारी चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। जैसे कि इसके अंतर्गत क्या हो गया? रेलगाड़ी भी आ सकती है, ट्रेन भी आ सकती है, तो सारी चीजें इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये आपका लाइव लोड हो गया, ये आपका डेड लोड हो गया।
अगर आपसे कोई लाइव लोड और डेड लोड के बारे में पूछता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं होना है कि लाइव लोड क्या है, डेड लोड क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि लाइव लोड क्या है, डेड लोड क्या है, ठीक है ना। चलो आगे आते हैं। दूसरा लोड क्या था हमारा? दूसरा लोड हमारा था एक्सियल एंड ट्रांसवर्स लोड। एक्सियल का मतलब होता है अक्षीय एंड ट्रांसवर्स का मतलब होता है अनुप्रस्थ, ठीक है। आपको ध्यान देना, कोई सी गलती हो
देखिए आपको डायरेक्ट लोड था, सॉरी जो एक्सियल लोड था, एक्सियल लोड क्या बताता हूं मैं आपको फिर से बताता हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। एक्सियल लोड क्या कहलाता है, जैसे ये बॉडी है कोई, ये कोई बॉडी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो एक लोड के बारे में और भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक लोड के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सीयर लोड आपको ध्यान रखिएगा, सीयर लोड में कंफ्यूजन ना हो, सीयर लोड में कंफ्यूजन ना हो, बड़ी सी गलती थी। सीयर लोड और जो ट्रांसवर्स लोड होता है पिंड के इस तरह बॉडी के इस तरह होता है, बॉडी के इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है ना, इस तरह नहीं लगेगा, ऊपर से नहीं लगेगा। सीयर लोड क्या है, साइड से लगेगा। सीयर लोड क्या है, साइड से लगेगा। आगे आता है तीसरा वाला, तीसरा जो है वो हमारा टेंजाइल कंप्रेसिव एंड सीयर लोड है। ठीक है, देखिए थोड़ी सी अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। अगर आपको ट्रांसवर्स बोलता है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें बुक में थोड़ा सा दिक्कत कर दिया है, बुक में थोड़ी सी दिक्कत कर दिया। अगर सीयर लोड बोलता है, ये अगर सीयर लोड बोलता है तो सीयर लोड बॉडी के इस डायरेक्शन में है, या इस डायरेक्शन। लेकिन अगर एक ट्रांसवर्स बोलता है, अगर एक ट्रांसवर्स लोड बोलता है तो बॉडी के इस तरह से, बॉडी के इस तरह। ठीक है तो चीज ये नहीं, लेकिन कुछ चीजें बुक में इधर उधर करके भी दे दी जाती है। चलिए तीसरे में हम आ जाते हैं। तीसरे में सबसे पहले क्या था, टेंजाइल था, कंप्रेशन था, उसके बाद सीयर लोड था। तो सबसे पहले आ जाते हैं टेंजाइल लोड। टेंजाइल सेम टेंजाइल फोर्स की तरह है। अगर किसी बॉडी पे लोड बाहर की तरफ लग रहा है, लोड क्या है, बाहर की तरफ लग रहा है, लोड बाहर की तरफ लग रहा है, इसको हम पी कर लेते हैं, क्योंकि इसको फोर्स था, इसको लोड है, पी कर लेते हैं। किसी बॉडी पे लोड जो है वो बाहर की तरफ लग रहा है तो उसको हम टेंजाइल लोड कहते हैं। ठीक, कंप्रेशन क्या लेंगे, कंप्रेसिव पे क्या होता है, जो लोड है वो अंदर की साइड वर्क करता है। इसमें क्या है, लोड जो होता है वो अंदर की साइड वर्क करता है, ये भी निगेटिव होता है और निगेटिव होता है और इनसाइड होता है, इनसाइड एरो होता है। आप भी यही के लिए एग्जाम्पल। ठीक है, ये क्या होता है,
आउटसाइड एरो होता है और हम इसे क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख सकते हैं। अगला आता है सीएल, ये कोई बॉडी है। तो बॉडी में क्या होता है, बॉडी में अगर जो हमारा सीएल लोड होता है, बॉडी को हमको कट करने की कोशिश करता है। तो सीएल लोड में मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारा डस्टर, ये हमारा डस्टर हो गया और ये हमारा फोन हो गया, ठीक है। ये एक दूसरे पे रखे और मैं इस पर ऐसे ऐसे चला रहा हूँ, इसको मूव कर रहा हूँ, तो हमारा जो फोन है, फोन हमारा क्या कर रहा है, इस पर टच हो रहा है, ठीक है ना। फोन हमारा क्या कर रहा है, इस पर टच हो रहा है, इस पर चल रहा है, तो क्या होगा, हमारे फोन का कुछ भाग कटेगा या तो इस जेस्टर का कुछ भाग कट जाएगा। तो सीएल लोड्स में एक्चुअली होता क्या है, चीजें एक दूसरे से रगड़ खा के कट जाती है, तो वो सीएल फोर्स का होता है। तो सीएल फोर्स क्या होता है, इसके सरफेस के अराउंड लगता है। ये क्या लगता है, सरफेस के अराउंड, इलॉन टू सरफेस, इलॉन टू सरफेस, ये क्या है, सरफेस के अराउंड लगता है, या तो इधर लगे या तो इधर लगे, ठीक है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक बॉडी यहाँ पे है और दूसरी बॉडी यहाँ पे, इसको हम इधर खींच रहे हैं और इसको हम इधर खींच रहे हैं, क्या होगा, ये बीच में कटने की कोशिश करेगा, कटने की कोशिश करेगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कर्तन भाग, ठीक है ना। सीएल को हम क्या बोलते हैं, कर्तन भाग, सीएल को याद रखिएगा, हम इसको बोलते हैं कर्तन भाग, सीएल वाला होता है कर्तन भाग, ये नया था इसलिए आपको बता दिया, कर्तन भाग। ये क्या करता है, ये चीजों को कट करने की कोशिश करता है, चीजों को काटने की कोशिश करता है, ठीक है, इसीलिए इसका हम कर्तन भाग कहते हैं, इसीलिए इसको हम कर्तन भाग कहते हैं, ठीक है ना। तो कर्तन भाग जो होता है हमारा, ये अनुप्रस्थ भाग ही होता है, ठीक है ना, ये लंब रूप में क्रिया करता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे बसों में और बहुत सारी चीजों में जो ज्वाइंट्स होते हैं, तो उनके बीच में क्या होता है, जो ज्वाइंट्स होते हैं उनके बीच में ज्वाइंट्स किए जाते हैं, कुछ दिन बाद क्या होता है, कट जाते हैं। आप नल देखते होंगे, जब आप नल चलाते हैं तो उसकी बोल्ट कट जाती है, किसकी वजह से, वो सीयर फोर्स की वजह से, सीयर लोड की वजह से, क्योंकि उस पर सीयर लोडिंग लगती है और सीयर फोर्सिंग लगती है, सीयर फोर्स लगता है, तो धीरे धीरे वो स्क्रू क्या होता है, ऊपर से कटना चालू कर देता है, ठीक है। तो आज यहीं तक लाने देते हैं, लोड तक ही लाने देते हैं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा वैसे भी हो चुका है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर फोर में बाकी रिमेनिंग पार्ट्स को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।